भेज दो भेज दो भेज दो। सुरभि ये नोट करना, 21, 22 और 23 में कितने कितने सवाल सिल्क वाले। एग्जाम बहुत करीब आ रहा सर, बड़ा डिमोटिवेट फील हो रहा है। अच्छा, डिमोटिवेशन हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसके लिए चलो हम तुम लोगों के चलते भी वाक पे, और वहाँ पे सब बताते हैं कैसे डिमोटिवेशन खत्म होगा। यस सर। तो वाक पे कितने लोग चल रहे हो सुबह? सब चलेंगे सर। जल्दी से बोलो। सब चलेंगे सर। चलो तैयार हो जाओ, चलते हैं। यस ठीक, वाक पे चलते हैं। फिर तुम लोगों को ले चलेंगे अपने एक बच्चे के यहाँ जो डॉक्टर बन गया है, जिसका नर्सिंग होम है। Yes. वहां देख के और मोटिवेशन आएगा। Yes. पक्का? Yes, sir. चलो चलते हैं। रेडी? जय हिंद बच्चों। नीट के कितने दिन बचे? 90 डेज मान ले, मोटा मोटा। Yes, कैसा चल रहा है दिल दिमाग में? बढ़िया लग रहा है। तैयारी कैसी लग रही है? कॉन्फिडेंस आगे चल रहा है? Yes, तो चलिए आज हम लोग आए हैं तो बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और भगवान से प्रे करेंगे कि जिस तरह से पूरा माहौल सरसों के फूल से खूबसूरत है, वैसे ही ये बच्चे सेलेक्ट हो जाए और अपने परिवार को ऐसे ही खूबसूरत करें। तो बिल्कुल तैयार हो बच्चों? Yes, चलिए अंदर जरा देखते हैं कैसा हॉस्पिटल है। कैसा लग रहा है हॉस्पिटल? सर बहुत अच्छा है। तो आज से मोटिवेशन मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए? Yes, पढ़ेंगे खूब वैसे ही? Yes, है? फिर हमको पहचानेंगे कि नहीं? बिल्कुल सर। आओ अब हम लोग पूरा हॉस्पिटल देखेंगे। तो ये सब बच्चे हमारे भी ऐसे ही डॉक्टर बन के ऐसे ही बड़ा बड़ा अस्पताल बनाएंगे, फिर तुम लोगों के हॉस्पिटल में ऐसे ही आएंगे। यस। ये मेडिकल स्टोर है। नमस्कार नमस्कार। ये हमारी फार्मेसी है, आप क्या ही पढ़ रही है? अच्छा, पढ़ रही बिटिया? तो बच्चों को लेके आए कि बच्चे इंस्पायर हो जाएं। IVF क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, थैंक यू। वाओ, क्या तो बिल्कुल दिल्ली की रूम जैसा है, बहुत अच्छा। आज ये लोग मेनली इसलिए आए हैं कि ये लोग भी अभिनव की तैयारी करते थे, तो इनको थोड़ा हमें मोटिवेट करना था कि ये भी ऐसे ही बड़े डॉक्टर बनके ऐसे नर्सिंग होम बना सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। थैंक यू, आप कम से कम भविष्य के डॉक्टर बनाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज हम लोग आए हैं अपने एक बच्चे के यहाँ, अभिनव सेंगर, जो हम ये कह सकते हैं कि प्रदेश के बहुत बड़े गैस्ट्रो सर्जन हैं, और आप लोग डीमोटिवेट हो रहे थे आज, तो हमने आपको दिखाने के लिए कि अगर आप मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट कितना अच्छा होगा। और जिंदगी में दो लोगों से हारने में बड़ी खुशी होती है, एक अपना बेटा एक अपना शिष्य। तो आज आप लोग देख रहे होंगे जब तुम लोगों को बोलते हैं कि हमारे बच्चे कितने चले गए, मेरा चैम्बर इससे अच्छा है? नो। कोचिंग इससे अच्छी है? नो। लेकिन ये मेरी खुशी है। और तुम लोग सोचते हो साहब आपको एनर्जी कहां से मिलती है? तो एनर्जी मिलती है अपने बच्चों की इस प्यार से। हम लोग चाहे जितने दिन बाद मिले, प्यार वही रहता है। तो कभी भी बच्चों रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। पेड़ जितना बड़ा होता है स्टेबल तभी होता है जब रूट भी उतना अपना नीचे ले जाता है। तो संस्कार बहुत बड़ी चीज है। और अभिनव ने जब बोला कि सर मुझे आज दूसरी बार सबसे ज्यादा खुशी हो रही है, तो सोच लो मुझे कितना अच्छा लगा होगा।
ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोग इंस्पायर हो के आप लोग भी ऐसे ही करेंगे। और अभिनव सर ब्लेसिंग के लिए दो शब्द आपको बोलेंगे। देखिए जो है बस मेरा ये कहना है कि सर जब पढ़ाते थे सर का जो है अपना एक अपना डायलॉग होता था जो सर अपना बोलते रहते थे और सर कहते रहे बस आप यस सर कहते रहिए। आप यकीन मानिए कि सर के एक एक शब्द इम्पॉर्टेंट हैं और एक एक शब्द मायने रखते हैं। चाहे वो अपना आपको मोटिवेट करने के लिए बोले, चाहे पढ़ाई की चीज़ें बोले, एक एक जो शब्द निकल रहा है मुँह से बस उसको आप बस याद करते रहिए। और सर तो जो है साल भर में वो चीज़ आपको हज़ार बार बोल देंगे और वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ अपना जो है पेपर में ना आए और आपसे गलती हो जाए। आपको बस अपना कान आँख खोल के सारी चीज़ें सुनते रहनी है, याद करते रहना है बस। क्योंकि जो है कोचिंग में ही इतना पढ़ा दिया जाता है कि बस आप जो है अब यकीन मानिए कि घर पे जो है आपको बस दो चार घंटे अलग से देने हैं। कोचिंग में बहुत अच्छी पढ़ाई है और जो है यकीन मानिए कि और दिमाग सब बच्चों में है, बस उसको सही डायरेक्शन में लाना है। डर था फिर यूपी बोर्ड का डर था कि जो है ऐसा तो नहीं है कि भाई जो है अपना पास ना हो पाए, तो लेकिन उल्टा हुआ। आप यकीन मानिए कि जो है केवल तीन चार महीने की कोचिंग के बाद 12th में 12th में मेरिट से जस्ट जो है भाई 2 से 3 नंबर ही मेरे कम रह गए थे। और जो है जब मैं 11th में बहुत एवरेज स्टूडेंट था और 12th में सडनली जो है नंबर बहुत अच्छे आए थे। और ये सब जो है ऐसा नहीं कि जो है स्कूल तो वही था, वही पढ़ाई हो रही थी, कोचिंग से जो है 12th में बहुत फ़र्क पड़ा था। और गलती थी कि अगर मैंने कोचिंग नहीं छोड़ी होती तो हो सकता है कि एक साल पहले और सिलेक्शन हो जाता। तो और 3-4 महीने जब हमने किया और यकीन मानिए कि जो है एग्ज़ाम का सर जो है अपना CPMT सर देने का बिल्कुल मन नहीं था। अगर जो है मेरी मम्मी आएंगी तो आपको बताएंगी असलियत उस दिन की। पेपर को सर मुश्किल से 40-45 मिनट का टाइम रह गया था। एग्ज़ाम था जो है सर माल रोड पे, सर जो है कॉलेज है वहाँ पर मेरा सेंटर पड़ा था। मम्मी ने अंकल को बुलाया, अंकल आए, जब आए मुझे लेने के लिए अपने स्कूटर से, मैं सो रहा था, मग्गा लेके सीधा पानी मेरे ऊपर डाला तो मुझे जगाया कि जाके पेपर क्यों नहीं देके आ रहे हो, क्योंकि सर मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा अपना कुछ हो पाएगा। तैयारी हम छोड़ चुके थे अपना जो है यूपी बोर्ड के चक्कर में, केवल अपना उसमें लगे हुए थे। और यकीन मानिए जब मैंने पेपर दिया तो उसमें 180 नंबर आए थे और मुझे भी लग रहा था कि अगर मैंने कोचिंग नहीं छोड़ी होती तो मेरा सिलेक्शन हो चुका होता। और सब कुछ जो है पढ़ा हुआ था, सब कुछ पढ़ा हुआ था। 200 में से 180 नंबर लाना 3 महीने कोचिंग के बाद, मतलब जो है केवल सर कर सकते हैं। और जो है मेरिट 184 पे गई थी उस साल। हमारे बहुत सारे जो दोस्त, तब 200 नंबर का पेपर होता था, तब 200 नंबर का होता था उस साल। तो जो है आधे 184 पे सिलेक्ट हुए थे, आधे 184 नहीं हुए थे। तो हमको ये लग रहा था कि जो है लगता है कि हमने गलती कर दी थी। और ये पहला मोटिवेशन था। घर में सर जो है सब लोग कह रहे थे कि नहीं BDS मिल जाएगा, BDS उठा लो। सर उसी समय हमने ठान लिया था कुछ भी हो जाए 3 महीने कोचिंग पर अगर इतना आ सकता है तो सर जो है लगे रहेंगे सर जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। तो अगले साल फिर यही हुआ। फिर गलती जो पहले साल की थी वो था कि नहीं करनी है। सब सारी की सारी चीज़ें सर जो है हम जो है न्यू लाइट में आके जो है फिर सब वहीं ज्वाइन कर लिया कंप्लीट। और Day 1 से बिना एक भी दिन वेस्ट किए। तो बस मेरा ये कहना है कि जो भी डाइवर्जेंस हैं सब हटा दीजिए। देखिए अल्टीमेटली जो है आप यकीन मानिए कि जो है अगर आप सब पढ़ने आए हैं, सिलेक्शन से इम्पॉर्टेंट कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, सिलेक्शन होता है, जो बंदा लगा रहता है। और जो बस आपको जो है फोकस रहना है, आप पढ़ाई करिए। यकीन मानिए कि जो है भाई हो सकता है किस्मत काम ना करे, 1-2 नंबर से छूट जाए, लेकिन वो सिलेक्शन होके रहता है। बस आपको चीज़ें अपना छोड़नी नहीं है, लगे रहना है। मेहनत काउंट करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। जो है हार्ड वर्क काउंट करता है और लेकिन एक चीज़ है डायरेक्शन भी काउंट करता है। तो जो है डायरेक्शन देने के लिए देखिए जो है सर हैं, कोचिंग है, और उससे अच्छी जगह कानपुर में कोई नहीं है। अच्छा अभिनव, आपके साथ के जितने बच्चे थे हमें लगता है सब अपनी फील्ड में, प्रशांत सर बिल्कुल सर, और ENT में वो सर डॉक्टर मधुकर वशिष्ठ हैं, डॉक्टर प्रशांत हैं, नीरज वरियानी हैं। तो नीरज वरियानी ने सर अपना नया हॉस्पिटल स्टार्ट किया सर हर्षनगर में। अच्छा। मधुकर ने सर जो है इंदिरानगर में स्टार्ट किया है। और डॉक्टर प्रशांत है सर, वो मधुकर के हॉस्पिटल में भी जाते हैं, हमारे हॉस्पिटल में भी आते हैं। तो ये तो सर जो है जो हम लोग के साथ में थे सर। तो जो हमें लगता है कि सर जो है आपके सर स्टूडेंट्स जो है लगभग कानपुर में इतने होंगे कि लगभग 50 लोगों का सर कम से कम अस्पताल हो, 50 से 100 लोगों का। क्या बात है सर, जो है ये हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल की बात हो रही है, केवल अगर हॉस्पिटल की बात आ रही है, जो मतलब जो सर के स्टूडेंट्स के जो हॉस्पिटल है सर, मुझे लग रहा है कि सर मिनिमम 50-70 होंगे सर जो है। विशाल सिंह लोग हैं, विशाल सर है सर। फिर जो है स्टूडेंट्स की बात करेंगे सर, हजारों में है सर कानपुर में, कानपुर में, कानपुर के हजारों में है।
ये सारे बच्चे अभिनव बिल्कुल इसी बार सेलेक्ट होंगे, और जब ये सेलेक्ट हो जाएंगे तो हम लोग फिर आपके चैम्बर में आके चाय पियेंगे। ठीक है अभिनव, थैंक यू बेटा, काम करो अब तुम, और हम लोग तो परेशान करते रहेंगे। सर सर आप आए हैं सर, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। तो अब हम लोग अब जा रहे हैं बच्चे। अच्छा बताओ कितना इंस्पिरेशन हुआ, पढ़ाई घंटा बढ़ेगा? सर से मिलने के बाद कैसा लगा? कैसा लगा? अब डिमोटिवेशन होगा? पक्का जान लगा दोगे? ऐसे ही बनोगे और फिर हमको बुलाओगे? ठीक सर, मतलब यही है कि पढ़ाई के अलावा कुछ और सोचना ही नहीं है, केवल पढ़ाई पढ़ाई। देखिए है फैक्ट क्या कि वही बता रहे हैं, जो डाइवर्जेंस अगर नहीं होंगे तो सब लोगों में इतना दिमाग है, सब इतने कैपेबल हैं कि जो है, और जो है सब सिलेक्ट हो जाएंगे, सब सिलेक्ट होंगे, सब होमो सेपियंस है भाई, डिसाइडेड इंटरनल कैपेसिटी। तो यही है कि जो डाइवर्जन है वो बड़ा खराब हो जाता है भाई। पेपर वहीं से आना है, कुछ मतलब जो है किताबें वहीं हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जो है बस पढ़ते समय फोकस रखिए और कुछ मत सोचिए, सिलेक्शन हो जाएगा, सारी चीज़ें बहुत आसान होती है। हाँ।